स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। श्री कृष्ण कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज के हम लेक्चर सीरीज के अंतर्गत कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले ही टॉपिक को। देखिए बच्चों, पिछले टॉपिक के अंतर्गत हमने जो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ाया था आपको, और क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंतर्गत आपको बताया गया था कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन या जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो कितने प्रकार से होता है। ठीक है, इन पर हम चर्चा कर चुके थे। और हम आए थे फिर बाद में क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंतर्गत जो संरचनात्मक परिवर्तन था, उस संरचनात्मक परिवर्तन के अंतर्गत हमने आपको चार प्रकार का जो है म्यूटेशन बताया था, जिसमें नंबर 1 विलोपन, द्विगुणन, स्थानांतरण और प्रतिलोमन। तो ये चार प्रकार का जो हमने वहाँ पर संरचनात्मक क्या म्यूटेशन पढ़ा था, उनमें से हम दो पढ़ चुके हैं, विलोपन और द्विगुणन, इट मींस डिलीशन एंड डुप्लीकेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उसके अंतर्गत हम इन अगले दो प्रकार के म्यूटेशन को देखेंगे, जिसके अंतर्गत स्थानांतरण और प्रतिलोमन है। ठीक है, तो स्थानांतरण और प्रतिलोमन को आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर गुणसूत्र के अंतर्गत स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे क्या स्थानांतरण, इट मींस ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन किस प्रकार से होता है बच्चों, ये अपन को थोड़ा सा देखना है। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो यहां पर एक शब्द ही दे रखा है आपका स्थानांतरण। स्थानांतरण से मतलब क्या होता है, आदान प्रदान। तो इस प्रकार के म्यूटेशन के अंतर्गत, तो हम यूं कहें कि इस प्रकार के उत्परिवर्तन में या म्यूटेशन में क्या होता है बच्चों, कि किसी एक गुणसूत्र का टुकड़ा पृथक होकर, किसी एक गुणसूत्र का टुकड़ा पृथक होकर गुणसूत्र का टुकड़ा पृथक होकर किसी दूसरे गुणसूत्र के असंजात या किसी दूसरे असंजात गुणसूत्र से जुड़ता है। समझ में आया क्या? इस प्रकार के म्यूटेशन के अंतर्गत क्या होता है कि माना कि कोई यह एक क्रोमोसोम है बच्चों, ठीक है, और इस क्रोमोसोम के अंतर्गत क्या है कि ये जो गुणसूत्र है इसके कोई भी एक सूत्र माना कि यहां से पृथक हो गया या यहां से पृथक हो गया, और पृथक होकर किसी दूसरे असंजात गुणसूत्र के साथ ये क्या हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है, तो माना कि यहां से ये पृथक होकर यहां पर आकर जुड़ गया बच्चों, माना कि, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया, इसका स्थानांतरण हो गया। समझ में आया? मैंने बोला कि क्या, कि इस प्रकार के जो है म्यूटेशन के अंतर्गत जो है क्या होता है कि एक गुणसूत्र का टुकड़ा पृथक होकर किसी दूसरे असंजात गुणसूत्र से जाकर जुड़ता है, तो इस प्रकार के इस म्यूटेशन को क्या कहेंगे अपन, स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये स्थानांतरण किन किन कंडीशन के अंतर्गत होता है, तो उसके आधार पर यहां इसको तीन प्रकार का बताया है। नंबर 1 है आपके साधारण स्थानांतरण, इट मींस सिंपल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो सिंपल ट्रांसलोकेशन के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, इसमें केवल जो है गुणसूत्र का जो खंड है वह किसी एक गुणसूत्र से पृथक होकर दूसरे गुणसूत्र, माना कि ये यहां से पृथक हुआ तो सिरे से पृथक होता है बच्चों। ठीक है, किसी एक गुणसूत्र
का कोई टुकड़ा पृथक होकर किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र के क्या सिरे पर ही जाकर अगर जुड़ता है, कहां पर जाकर जुड़े, दूसरे गुणसूत्र के सिरे पर अगर जाकर जुड़ता है तो इस प्रकार का जो स्थानांतरण है वह क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा आपका कौन सा, सिंपल ट्रांसलोकेशन। तो देखिए इस प्रकार से यहां पर आकर जुड़ गया, ये मैंने आपको दूसरे कलर से व्यक्त कर दिया, तो ये कौन सा हो गया, सिंपल ट्रांसलोकेशन, साधारण स्थानांतरण। दूसरा प्रकार है आपका इसके अंतर्गत, दूसरा प्रकार आपका विस्थापन स्थानांतरण, विस्थापन स्थानांतरण। तो विस्थापन स्थानांतरण के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, इंग्लिश में कहते हैं इसको शिफ्टिंग, क्या कहते हैं इसको अपन, शिफ्टिंग ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो शिफ्टिंग ट्रांसलोकेशन, शिफ्टिंग ट्रांसलोकेशन के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत एक गुणसूत्र के मध्य से कोई भाग टूटकर, ठीक है, माना कि ये कोई गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र के मध्य भाग से, माना कि यहां से कोई हिस्सा इसका पृथक होता है, ठीक है बच्चों, और ये यहां से टूटकर किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र से जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। तो मध्य से पृथक होकर और किसी दूसरे गुणसूत्र में जाकर जुड़े, तो इस प्रकार से यह माना कि यहां पर मध्य से पृथक हुआ, अब ये मध्य से पृथक होकर यहां मध्य में ही जाकर जुड़े, ठीक है, इस प्रकार से, तो वह कौन सा कहलाएगा आपका, विस्थापन स्थानांतरण। अगर हम इसको क्रम के रूप में देखें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, माना कि कोई एक ये गुणसूत्र की एक भुजा है जिसके अंतर्गत ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई मान लिया, चलो ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो कि यहां पर क्या हो कि कोई दूसरा गुणसूत्र का कोई टुकड़ा, माना कि एल एम एन ओ, ठीक है, ये टुकड़ा जो है क्या हुआ बच्चों कि आकर इसके यहां, माना कि यहां आकर जुड़ गया, तो ये क्रम क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है, ई और एल एम एन ओ एफ जी एच और आई, तो क्या कर दिया इसने, गुणसूत्र को शिफ्ट कर दिया, विस्थापन कर दिया, ठीक है, जीन्सों को, गुणसूत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जीन्स है उन जीन्स को क्या कर दिया, खिसका दिया, तो क्या कर दी, शिफ्टिंग कर दी, तो क्या हो गया, विस्थापन, कौन सा स्थानांतरण, विस्थापन स्थानांतरण, इट मींस शिफ्टिंग ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये दो प्रकार हो गए आपके किसके, ट्रांसलोकेशन के, स्थानांतरण के। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे की, व्युत्क्रमित स्थानांतरण, या इंग्लिश में कहते हैं इसको हम क्या, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो व्युत्क्रमित स्थानांतरण, और व्युत्क्रमित स्थानांतरण के अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि किसी एक गुणसूत्र का कोई खंड पृथक होकर, माना कि ये एक कोई गुणसूत्र का खंड है, ठीक है, और इसमें जो क्रम है वो माना कि जीन्स का इधर से इस प्रकार से है एफ जी एच, ठीक है। अब ये युग्म के रूप में होगा बेटा, दोनों ही होंगे, ठीक है, दोनों में यहां यू बना देता हूं, ले लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्या, व्युत्क्रमित स्थानांतरण की। तो व्युत्क्रमित में क्या होता है कि कोई हिस्सा पृथक होकर क्या करे, कोई हिस्सा क्या हो जाए, माना कि यहां से ये पृथक हो गया, माना कि ये हिस्सा यहां से इसका पृथक हो गया, ठीक है, तो ये व्युत्क्रमित हो जाए, क्या हो जाए, जैसे कि ये हिस्सा था और ये क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, 180 डिग्री के एंगल पर ये घूम जाए, तो ये क्रम क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके क्या, ए बी ए बी एफ ई डी सी जी एच। तो यहां आपने देखा कि इसका क्या हो गया बच्चों, ये व्युत्क्रमण हो गया, ठीक है। तो किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र में जाकर ये क्या करे,
क्या कर दे कि व्युत्क्रमित होकर उल्टा होकर उसके साथ में क्या हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है, उल्टा होकर उसके अंतर्गत जुड़ जाए, 180 डिग्री के एंगल पर घूमकर उसके अंतर्गत क्या अपना क्रम परिवर्तित करके उसमें जाके जुड़ जाए, तो विवाह कौन सा हो जाएगा, व्युत्क्रमित स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरे प्रकार का जो बिंदु था हमारा स्थानांतरण अर्थात ट्रांसलोकेशन का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ इसमें एक और है विषम युग्मजी और समयुग्मजी स्थानांतरण। तो विषम युग्मजी और समयुग्मजी स्थानांतरण क्या है ये थोड़ा सा और हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्थानांतरण में ही है ये, देखिए एक है आपका विषम युग्मजी स्थानांतरण, ठीक है, तो एक दूसरा है आपका समयुग्मजी स्थानांतरण। ठीक है, तो विषम युग्मजी और समयुग्मजी स्थानांतरण के अंतर्गत क्या होता है ये एक डायग्राम से अपन समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो माना कि यह कोई एक क्रोमोसोम है, ठीक, और ये जो कि जोड़े के रूप में है, ठीक है, और ये लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या होना है, स्थानांतरण होना है, तो उससे पहले मैं यहां पर ए बी सी, ठीक है, और डी ई और एफ, ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर ए बी, ठीक है, ए बी सी और एल एम और एन। ठीक है, तो माना कि यहां पर कोई ये दो गुणसूत्र हैं और डायग्राम बना देता हूं मैं यहां पर, ये इस प्रकार से ये कोई एक जोड़ा है, ठीक, ये दूसरा जोड़ा है, तो इससे ही अपन को इन दोनों को समझना है, विषम युग्मजी और समयुग्मजी को। तो देखिए बच्चों क्या हुआ यहाँ पर, इसके अंतर्गत हमने देखा कि यहाँ पर असमजात गुणसूत्रों के अंतर्गत क्या होता है कि अगर इन असमजात गुणसूत्रों के अंतर्गत केवल गुणसूत्र की एक भुजा पर, किस पर, एक भुजा पर अगर स्थानांतरण हो रहा है तो वह कौन सा कहलाएगा, विषम युग्मजी स्थानांतरण। आया समझ में, यहां पर क्या हुआ बच्चों, देखो मैंने इसको अलग अलग कलर से इसको व्यक्त कर रखा है, तो यह एक कोई गुणसूत्र का जोड़ा है, यह कोई एक अन्य गुणसूत्र का जोड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इन दोनों के मध्य क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ कि इसकी यह भुजा यहां से पृथक हुई और वो इस गुणसूत्र के यहां पर जाकर जुड़ गई, तो केवल क्या हुआ कि एक भुजा के अंतर्गत ही क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। तो इस प्रकार का जो स्थानांतरण है वो क्या कहलाएगा, विषम युग्मजी स्थानांतरण, इंग्लिश में कहते हैं इसको हेटरोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हेटरोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन। तो ये हो गया आपके हेटरोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन। दूसरा है होमोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन। तो होमोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन के अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि दोनों ही भुजाएं क्या लेती हैं, इसमें भाग लेती हैं, जैसे कि ये वही दोनों पेयर हैं और इनके अंतर्गत क्या होना है, ट्रांसलोकेशन दोनों भुजाओं पर होना है। तो किस प्रकार से होगा, देखिए बच्चों ये वही गुणसूत्र का पेयर है, अब इसमें क्या हुआ, दूसरी भुजाएं आकर जुड़ गई, देखिए ये लीजिए, सॉरी नीले से बना देता हूं इस प्रकार से। ठीक है, तो दोनों भुजाओं पे क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। तो एक तो इस प्रकार से बन जाएगा, दूसरा कैसा है, नीले रंग से शो किया है हमने, तो उसको इस प्रकार से, तो इस पर क्या होगा, जो हमने यहां पर काले रंग से बनाया था उसकी यहां पर भुजाएं। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, दोनों ही असमजात गुणसूत्रों के अंतर्गत दोनों ही भुजाओं पर क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। तो इस प्रकार का जो स्थानांतरण है वो कौन सा कहलाएगा आपका, समयुग्मजी स्थानांतरण, होमोजाइगोटिक
ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ट्रांसलोकेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट जो म्यूटेशन का प्रकार है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का, वह है कौन सा? प्रतिलोमन। तो देखिए प्रतिलोमन किस प्रकार से होता है ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर इन्वर्जन अर्थात प्रतिलोमन। तो प्रतिलोमन कैसे होता है इसको अपन को समझना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि माना कि यहाँ एक कोई गुणसूत्र की भुजा है। ठीक है, इस प्रकार से, और इस पर स्थित कोई जीन्स माना कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब तो इसमें क्या हुआ कि माना कि यो इस प्रकार से बलन उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार से, ठीक है, अब ये बलन हुआ तो क्या हुआ बच्चों? देखिए माना कि इसकी अगर हम नंबरिंग करें तो क्या होगा 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गया। आया समझ में? ठीक है, इसकी नंबरिंग अगर ज्यादा होती तो ज्यादा ही बढ़ जाएगी। तो देखिए बच्चों ये क्या हुआ कि यहां से पृथक हो गया, तो आगे इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, जो ये यहां पर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो ये एक सरा एक के साथ चला जाएगा, एक के साथ, तो इसका बीच का जो क्रम है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, 2 इधर की तरफ चला जाएगा 8 की तरफ और 7 1 की तरफ आ जाएगा, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा जब ये इससे पृथक होकर जुड़ेगा तो इसका क्रम हो जाएगा, देखो 1 ये इधर आ जाएगा, 7 6 5 4 3 और ये 2 और 8। आया समझ में? ठीक है, तो ये बीच का हिस्सा एक तरह से क्या हो गया, इससे उल्टा हो गया, प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है ना, क्रम क्या हो गया? उल्टा हो गया, और उल्टा होकर इस प्रकार से हमको एक नया सूत्र प्राप्त हुआ। इस घटना को अपन क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिलोमन कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्जन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा भी जो है जीवों के अंतर्गत म्यूटेशन देखा जाता है। अब देखिए बच्चों ये ट्रांसलोकेशन जो है ये 2 प्रकार से होता है। ये ट्रांसलोकेशन जो है वो कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। देखिए एक है पैरासेंट्रिक, इन्वर्जन, और दूसरा है आपका पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। तो पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, तो पहले हम बात कर रहे हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन की। तो देखिए बच्चों पैरासेंट्रिक, ठीक है, तो पैरासेंट्रिक की यहां पर चर्चा करते हैं। पैरासेंट्रिक के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत केवल क्या होता है बच्चों? गुणसूत्र बिंदु के सिर्फ एक ओर, क्या, जो हमारा गुणसूत्र बिंदु होता है उस गुणसूत्र बिंदु के सिर्फ एक ओर क्या होता है, एक ओर से 2 स्थानों पर, एक ओर से 2 स्थानों पर स्थानांतरण होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? गुणसूत्र बिंदु के सिर्फ एक ओर, माना कि यह एक हमारा गुणसूत्र है और यह गुणसूत्र क्या है? बिंदु है। तो इस गुणसूत्र बिंदु के सिर्फ एक ओर, दोनों ओर नहीं, एक ओर क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है, कोई खंड टूट कर इससे आकर जुड़ रहा है या इससे क्या हो रहा है? पृथक हो रहा है। ठीक है, तो अर्थात इसके अंतर्गत, माना कि यहां से टूट गया तो टूटकर ये किसी दूसरे के साथ जाकर जुड़ा है, इट मींस इसके अंतर्गत या इस टूटे हुए खंड के अंतर्गत क्या नहीं होगा, या इस प्रकार के प्रतिलोमन के अंतर्गत क्या नहीं होगा? गुणसूत्र बिंदु उपस्थित नहीं होता है। क्या नहीं होता है इसमें? गुणसूत्र बिंदु उपस्थित नहीं होता है, इट मींस गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर जो है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है।
ठीक है, जबकि जो पेरिसेंट्रिक होता है, जबकि दूसरे प्रकार का जो होता है पेरिसेंट्रिक ट्रांसलोक इन्वर्जन, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन के अंतर्गत क्या होता है, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, कि गुणसूत्र बिंदु के दोनों ओर होता है, और दूसरी बात जो है उसके अंतर्गत गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या उपस्थित होता है, गुणसूत्र बिंदु जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इन्वर्जन है जो कि मैंने आपको उनके दोनों प्रकार बताए हैं, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। ठीक है, और इसी के साथ ये जो है आज हमारा जो संरचनात्मक जो उत्परिवर्तन था चार प्रकार से हमने यहां पर देखा वो यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी नए या अगले ही प्रकार में किसके अपने म्यूटेशन के अगले प्रकार खरदा संख्यात्मक जो जो उत्परिवर्तन है उसको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।